श्री कृष्णा दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर नया वीडियो लेकर आपकी अपनी स्टिचिंग प्रोफेसर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सांवले सलोन ने श्याम की ड्रेस कैसे बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज मैं आपको श्री लड्डू गोपाल जी के कपड़े बनाना सिखाऊंगी और साथ ही उनकी ज्वेलरी और एक छोटी सी पगड़ी भी बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, उसके लिए हमें चाहिए कुछ लेसेस, कुछ कपड़े के पीसेस और एक बकरम। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ बनाने के लिए किसी भी चीज़ पुरानी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ना ही कपड़े पुराने होने चाहिए, ना ही मोती या बकरम पुराना होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका कॉम्बिनेशन मिलाऊंगी। तो क्योंकि हम भगवान के कपड़े बना रहे हैं तो इसका कोई नाप नहीं होता है, आपको अपनी मूर्ति के हिसाब से सारा कुछ लेना होता है। तो देखिए, मैं कॉम्बिनेशन मिला रही हूँ कि जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा मैं वही बनाऊँगी। तो देखिए, ब्लू और येलो है और एक पिंक और ग्रीन है, तो मुझे ब्लू और येलो अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं सबसे पहले एक बराबर कट कर लूँगी। तो ये वेलवेट का कपड़ा लिया है मैंने। ये देखिए, ये है लंबाई 3.5 इंच, मुझे चाहिए 5 इंच। तो इसमें लेस वगैरह लगा करके मैं इसे 5 इंच कर लूँगी। और घेर है हमारा 25 इंच। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा घेर होने पर मूर्ति रखने पर डिसबैलेंस होती है। अब उनकी बॉडी के लिए मैंने कट कर लिया है येलो कपड़ा। अब हमने जितना बड़ा घेर कट किया है उतना ही बड़ा हम एक बकरम का भी पीस कट कर लेंगे। बकरम हम इसमें इसलिए लगाते हैं कि घेर बिल्कुल सुंदर सा फूला हुआ दिखे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से बकरम भी कट कर लिया और ये मैंने बॉडी के येलो पार्ट भी कट कर लिए। अब मैं इसमें लेस लगा के देखूंगी कि कौन सी लेस अच्छी लग रही है। तो एक किरण वाली लेस है, एक गोटा पट्टी की है और एक सिंपल लेस है, और ये देखिए एक फ्लावर वाली लेस है। तो मुझे फ्लावर वाली लेस ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें ब्लू फूल हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं मशीन पर। तो सबसे पहले मैं इसकी बॉडी तैयार करूँगी। तो देखिए, बॉडी में मैंने क्या किया है कि ये गोटा पट्टी इस तरीके से ली और उसके अंदर कपड़ा करके ऐसे फोल्ड करके और उसके ऊपर मैं सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा ही मैं दूसरे पार्ट में भी कर लूँगी। और जिस तरीके से मैंने इस तरफ लेस लगाई है ऐसे ही मुझे दूसरी तरफ भी लगानी है। अब इसके बाद में मैं इसे एक के ऊपर एक रख के और 1 इंच की सिलाई लगा लूँगी। तो क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आपने स्किप किया तो लड्डू गोपाल जी गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, ये मेरी सिलाई लग गई है। अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करके और नीचे की तरफ 1/2 इंच सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारी फ्रॉक की बॉडी बन रही। तो ये देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे उनके हाथ। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी कर लिया। तो हमारी बॉडी हो गई तैयार। अब ये जो बकरम का पार्ट है इसे मैं वेलवेट के कपड़े के साथ अटैच कर लूँगी। तो बड़े टांके से मैं इसमें सिलाई करके इसे जोड़ लूँगी आपस में। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा है बकरम, मैं उसे कट करके अलग कर दूँगी। अब लगाऊँगी मैं इसके ऊपर लेस। तो देखिए, हमने लेस भी लगा ली है। अब ये जो साइड का रफ पार्ट है इसे कट करके मैं अलग करूँगी दोनों तरफ से, और इसमें भी मैं बॉडी की तरह ही गोटा पट्टी लगाऊंगी। दोनों तरफ गोटा पट्टी लगाने के बाद ऊपर की साइड दूंगी मैं इसमें बिल्कुल पतली पतली प्लेट्स। तो हमें ये प्लेट्स बॉडी के हिसाब से देनी है, जितनी बॉडी की चौड़ाई होती है उतना ही हमें घेर भी रेडी करना है। तो देखिए, मेरी फ्रॉक रेडी होने वाली है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी लड्डू गोपाल जी की माला किस तरीके से बनाना है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, मेरा घेर रेडी हो गया है। अब मैं घेर को और बॉडी को एक बार आपस में मिला लूँगी कि कहीं से बड़ा छोटा तो नहीं है। तो देखिए, मेरा नाप बिल्कुल करेक्ट निकला। अब मैं इसे आपस में अटैच कर दूँगी। तो देखिए, हमारी ये फ्रॉक सिल के रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी की माला। तो उसके लिए मुझे डबल फोल्ड में धागा लेना है। तो मैंने जो मेटी की सुई आती है उसमें धागा लिया है क्योंकि धागा मोटा है। और नीचे से देखिए जॉइंट पार्ट रखना है मुझे, ऊपर की तरफ ओपन है, नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है। इसमें एक मोती डाल के उस धागे के रिंग से मैं सुई को बाहर निकाल लूँगी। तो इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो एक मोती है यही नॉट का काम करती है। तो देखिए, डबल धागा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें धागा डबल ही लेना है। अब उसके बाद में जो नीचे लटकन होती है हमने वो चीज़ बना ली। अब यहाँ से हमें एक धागा निडल में से बाहर निकाल देना है,
इसलिए मैंने आपको कहा है कि विशेष ध्यान रखना धागा डबल रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम एक धागा निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से अलग करने के बाद में मैं इसमें पिरो लूँगी एक बड़ा मोती एक छोटा मोती। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी सुंदर माला बनाना आपको बताया है। अब एक बार इसको मैं आपस में मिला लूँगी कि दोनों तरफ की लड़ें बराबर हैं या नहीं। बराबर होने पर मैं इसमें लगा दूँगी नॉट। अब बनाएंगे हम लड्डू गोपाल जी की पगड़ी। तो उसके लिए हमें बकरम या शीट का टुकड़ा चाहिए है। अब हमें हमारे लड्डू गोपाल जी के सिर के हिसाब से इस बकरम को रोल कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक सेकंड में कितनी सुंदर पगड़ी बना दी है। अब उसे मैं स्टेपल कर दूंगी। तो आप देखिए ये कितना सुंदर शेप आ गया है। अब इसको स्टेपल करने के बाद में ये देखिए इसके ऊपर मैं लगा दूंगी पूरा कपड़ा। तो कपड़ा क्योंकि मेरी फ्रॉक ब्लू है तो मैं ये पगड़ी भी ब्लू कलर की बना रही हूँ। तो देखिए इसको भी मैं रोल करके जैसे मैंने बकरम किया था उसी तरीके से करूँगी। पहले पूरा मेजर कर लूँगी, फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर दूँगी और इस तरीके से मोड़ के इसे भी मैं स्टेपल कर दूँगी। तो मेरे लास्ट वीडियो का सही आंसर दिया था श्रीमती नीतिका शुक्ला जी ने। थैंक यू नीतिका जी कि आप स्टिचिंग प्रोफेसर को इतने अच्छे से फॉलो कर रही हैं। तो देखिए जो स्टेपलर की पिंस हैं इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि जब हम इसे लेस से और कुंदन से डेकोरेट करेंगे तो सारी पिन हमारी छुप जाएंगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी पगड़ी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए मेरी पगड़ी तैयार है। अब मैं आपको दिखाऊंगी तैयार करके हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की बहुत सुंदर ड्रेस और ज्वेलरी और पगड़ी तीनों चीजें बनाना सिखाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।